आज जो हम हुए हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, आज सुबह सुबह रेडी हो गए हैं। आज है भैया दूज, सभी भाइयों को भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को भी भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज जो भैया दूज है वो बहुत जल्दी ही है और किसी की भी छुट्टी नहीं है, यूजुअल डे है, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। दूसरा, सभी बहनों के पास जाना है, 2 बजे तक का ही टाइम है, बल्कि 1:30 बजे तक का ही टाइम है। तो मॉर्निंग में अराउंड 5 बजे से जगे हुए हैं सब, और अभी भी अब थोड़ा सा ना लेट हो रहा है, जल्दी मामा जी का वेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि कल की छुट्टी थी भैया दूज की, और ऐसा हो रहा है ना इस ईयर की सारे फेस्टिवल डिले होते जा रहे हैं, एक 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 दिन, जैसे राखी भी एक दिन दो दिन था, तो ऐसे ही वहां पे एल्फन भी डाल चुके हैं हम, मम्मी दिखाएंगे, दिखाती हूँ। और साक्षी को भी, ये देखिए ये वियर किया हुआ है मैंने, ये डाला हुआ है सूट, यहाँ पर ये सारी अरेंजमेंट हो गई है। ये हो गया अहिपन जो कि साक्षी ने डाला है पिठार से, चावल के आटे से, चावल को भिगो के और उसको पीस लेते हैं और उससे ये डिजाइन बनाते हैं। कोई सा भी फूल आप बना सकते हो, साक्षी ने ये वाला बनाया, ये देखिए। हाँ, हिबिस्कस भी बना सकते हो आप, अष्टदल बना सकते हो जो बिहार में होता है। और यहाँ पर ये चावल के आटे से तिलक लगता है और ये रोली है, ये आपका हो गया यही चावल का आटा जो हाथ में हम लगाएंगे। पान वगैरह देना बेटा, ये सारी चीजें हैं। ये है आपकी आरती और देखो ये है मेरी बिटिया। पान क्यों यूज करते हैं हर एक शुभ चीज में, तो मैंने ना किसी की वीडियो देखी थी, बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने बताया था पान पे हर एक देवता का वास होता है। जैसे सरस्वती जी होती है सेंटर में, लक्ष्मी जी होती है, नारायण होते हैं, सूरज, पूरा जो पान का पत्ता वो सूर्य देवता ही है, तो इसमें जितने भी भगवान होते हैं उनका वास होता है। फिर ये कहना हो जाएगा कि इसको खाते क्यों है, डाइजेशन के लिए अच्छा, अच्छा होता है ना, अच्छा। हर चीज का बेनिफिट अलग अलग, तुलसी के पत्ते को क्यों चबा जाते हैं, पूरा करते हैं, तो इसी वजह से, यस, इसी वजह से क्या होता है कि हर एक कोई भी शुभ काम में इसका यूज किया जाता है, भले ही लक्ष्मी पूजा हो कोई। अब हमने फैन ऑफ कर दिया है, हाँ, तब से चला, इसी वजह से है ना, इसलिए पान का पत्ता कितना, 1, 2, 3, 4, 5 रखते हैं, काउंटिंग्स होती है 3, 5, 7 ऐसे, तो नहीं पांच ही होती है, और 5 ये है सुपारी और फूल होगा। और और आपको आगे दिखाएंगे कि हमारा भाई दूज कैसे होता है। यहाँ पर गोलू और साक्षी मुन्नू, गोलू मुन्नू तैयार हो चुके हैं पूजा करने के लिए, बहुत सारी रील्स बना ली, थक गए हैं तो मेरे कमेंट आते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्या नेगेटिव? नेगेटिव ये आता है आपका बेटा थोड़ा पागल लगता है। पहले हम लोगों में ये लगाते हैं, क्या हुआ, हाँ, क्या लगाते हैं ये? जिसको पिठार मन से पूजा कर, हाँ, दांत मत फाड़, लवर लवर नहीं पा रहे थे चांदी। अब मैं बोल रहा हूँ पैसा ही पैसा। बोलो गंगा नाते मते छी भाई के साथ कटे बाग कटे दाऊ सब है हमर उबर जाए, तू खुद मत, आंधी हो तूफान हो सबसे भाई हम मेरा बच के आए घर, इसका मतलब ये है। एक का बता पूरी समेटती रहे ये करेगी। मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। अच्छा ये पैंट तेरी जल जाएगी, सही रहेगा मम्मी, एक एक्स्ट्रा आरडीसी में 2 मिलती है, 2 आरडीसी का नाना, मुन्नू आरडीसी का नाना, आंधी और बाढ़ से भी बच के रख। मैं सजेस्ट करूंगी वो भी तुझे ही नहीं मत, ठीक है। सारा तू खा ले।
अभी मैं केशु का आरती कल करूंगी इसलिए अभी मैं खा ले लिया। कैसे तो भाई पहली बार मैंने गिफ्ट लिया है अपने पैसों से। अपने पैसों से थोड़ा सस्ता है लेकिन ये दिल का गिफ्ट। और ऑनलाइन मंगाया है गोलू ने? ऑनलाइन मंगाया। हाँ आपको पसंद तो आएगा कि देख लो क्या देख सकते हो देख सकते हाँ देख सकते भाई देख लो देख लो गोलू आज पहली या बार फिर हम लोग इसकी अलग वीडियो बनाएंगे। नहीं नहीं क्या नहीं गिफ्ट मिला है ना सस्पेंस ना रख के मैं देख लेती हूँ। ऑनलाइन इसने कुछ कपड़े मंगाए होंगे मेरे लिए मुझे पता है सब मुझे कपड़े देते हैं क्योंकि मुझे कपड़े ये मैं दो मंगाए तो तुझे मैं दे दूंगी नहीं साइज देख लेती हूँ मैं स्मॉल मेरा होगा। कैसा लगा गुड्डू? बहुत ही प्यारा अच्छा लग रहा है ना दोनों एक्स्ट्रा स्मॉल मेरा है शायद क्योंकि इसका साइज अच्छा खासा साइज है नॉर्मल मुझे स्मॉल साइज आ जाता है। ठीक है और वो देखो व्हाइट वाला ये ले तू ये इसका है और हम दोनों ट्यूनिंग करेंगे तो फोटो जरूर डालेंगे रील्स भी बनाएंगे इंस्टा पे। ठीक है और ये क्या है? अच्छा बहुत अच्छा डालूंगी मैं शॉर्ट शॉर्ट इसके लिए अब तो मुझे एक जीन्स भी दिलवा। हाँ सही कर रहा है अच्छा लग रहा है मुन्नू ही डाल आप ऐसे नहीं करो आप नॉर्मल गाइस रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ बेटा बहुत अच्छा बना है गोलू से भी अच्छा है और नीचे भी एक फोप लगाओ इसका तब सिंगर चिपकेगा। अरे बाढ़ से बचे और आंधी से भी बहुत बढ़िया गिफ्ट ऐसे ही मतलब दे देते हैं वो चेंज करेंगे फिर अंदर मत करो यहीं पे करो फोटो वोटो कराएंगे रिकॉर्ड मत कर रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि गिफ्ट दे फ्रेस्का मुझे हर बार फ्रेस्का मिलता है या तो दिवाली में मिलता है या मिला हमारी सही है देना लल्ला मुझे भी दे खोल के दिखाएं मुझे पता है सोच होगा तो सुनती है बहुत ही सुंदर बहुत ही ज्यादा प्यारा है और मम्मी गए थे कल ना यस यस बहुत ही ज्यादा सुंदर है पनीर से निकाल के देखो एक बार कैसा लगा है ना एकदम रेड कलर देखते ही मैंने कहा बहन लोग तो यही लेंगे। अब बिना गले वाला था तो मुन्नू को पसंद भी आएगा और चुन्नी इसकी बहुत हैवी है सेम सूट का पैटर्न मैंने दीदी को दिया हुआ है सलवार है सर सेम सूट का पैटर्न सलवार है सर इस कलर का सलवार सही है दुपट्टे का बहुत अच्छा लगेगा मम्मी इसे आप सिलवा के देंगे बहुत ही ज्यादा प्रीटी है और ये पहन के मैं दिखाऊंगी कब रक्षाबंधन पे यहाँ पे मामा जी और मम्मी भी स्टार्ट हो गए हैं दोनों भी स्टार्ट हो गए हैं मामा जी का हाथ पूजा जाएगा पानी तो पी
अनु के यहाँ भी जाना है ना इस बार नहीं गौरव भी रहता है हर बार गौरव नहीं है दिवाली पे बहुत मिस किया गौरव को दिवाली पे हम लोग हर चीज में मिस कर देते हैं किसमें ला क्या करें काजू कतली खा लो और कोई भाई बचा है संजीव मामा जी भी आ रहे हैं उनका फोन आ रहा था उनसे बात कर ले एक बार ठीक है गुड जॉब या गिफ्ट ले लो और गौरव को मैं बहुत मिस कर रही हूँ गौरव को पिंटू भाई जी आएंगे अभी मेरा गिफ्ट मैं खुद लेने गई थी इसलिए मुझे पता है और पसंद से लाई थी मैं हर बार येलो येलो होता था तो इस बार मैंने कुछ अलग सा लिया तो ये गिफ्ट मैं लाया हूँ दीदी के दीदी के खुद से ही खुद ने पसंद किया है दीदी ने कैसा लगा था बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया चलो गुड गुड ऐसे ही सुंदर सुंदर बनी रहे मेरी बहन ये रिकॉर्ड हो रहा है पहली बार कुछ नहीं हमेशा दिया जा रहा है लिफाफा ही देता है क्योंकि इसको अपना पता नहीं है शॉप पे बिजी रहता है तो ये लिफाफा ही देता है बढ़िया यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे भाई आ रहे हैं मम्मी के और जीतू मामा जी भी आ गए और ये भाई पहाड़ का है पता है आप लोगों को ये धर्म भाई है मेरा जो करीब कितने साल से 2001 से ही मेरे ख्याल से हम लोग मतलब भाई बहन हैं है ना जीतू मैं हुआ था या नहीं आपने मुझे होते हुए देखा हाँ, हाँ, नहीं चलो एक साल का था जब आया था ना प्लॉट पे तब से क्योंकि पीहू पाकी भी बात करेंगी गोलू भाई की है ना और ये नवरात्रों में आई थी इसको तो आप पहचानते होंगे ये गुंडी लड़की है कोई नहीं और एक लाल से कर दो लाल के ऊपर बच्चे है ना इनको हर साल गोलू तेरी तो नाक हो गए बजरंग बली कोई बात इससे अब हाथ में लगाओ अब तिलक नहीं करना अब हाथ वाला करना है ठीक है बस बाकी नहीं करना थ्री टाइम्स थोड़ा सा अब पत्ते रखो ये पान का पत्ते रखो सारे पांचों के पांच फिर फ्लावर्स रखना सारी विंडो फ्लावर्स ऊपर रख दो जो जो अंदर है ना सब कुछ रख दो ऊपर अब आपको लुटाओ लुटा लुटा ये साफ करना है और बोलना बोलो बोलो गंगा नाते छे यमुना के मम्मी आप बोल दो पहले मिथिलांचल तरीके से भैया दूज बनाया गया अब ये नॉर्मल तरीका है जो अधिकतर लोग करते हैं स्वीट्स खिला रही भाई को पाकी की मम्मी उसकी हेल्प कर रही है हाँ उसको गांठ मारने नहीं आती छोटी आप भी खा लो हाँ वो आपका है इसे देखो माँ
इसे देखो ये क्या करके घूम रही है। ओए वो गुंडी भूत लिटिल लिटिल गिफ्ट लिया जा रहा है बोलिए मिठाई खिलाते हैं लिफाफा लाएगा बस नहीं खा लेंगे नहीं मिठाई ले जाओ देखो आप कहीं जा रहे हो तो रिकॉर्ड हो गया मैंने भी गिना था मुझे भी ज्यादा लग रहा था बड़े बड़े हैं और बहुत हेल्दी से हाँ वरना वो अब शुक्र में ना ये सब मिलने लगा है नहीं तो बनवाड़ी लोग देते भी नहीं थे हाँ ये फूल वाला देता है भाई जी वाला पांच का एक हेलो बाबा जी हेलो गाइस कैसे हैं आज खुश तो बहुत हो गए आप मैं गई नहीं कल से घर और पापा जी आए हैं शाम को भाई दूज में पापा जी ने बुआ जी को कॉल किया बुआ जी को कॉल नहीं किया करो बोला भी था अब भी कर लो भूल गए होंगे कोई नहीं आप बुआ जी से बात करो जल्दी से ठीक है और यहाँ पे देखो छोटे मामा खाना खा रहे हैं और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं और हो रही है शाम और हमने सोचा है कि दिन हम लोग का शाम के थोड़ी रात ही हो रही है ना तो हम सोच रहे हैं योग करने का कोई टाइम नहीं होता तो कपाल भाती 10 मिनट कर लेते हैं क्योंकि मेरा और मम्मी का पेट ना एक्सेस होता जा रहा है ना तो इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड इसके आगे का जो छोटा मोटा व्लॉग होगा खाने पीने का ये सब कुछ मम्मी दिखाएंगी मम्मी रिकॉर्ड करेंगी नहीं मैं कर लूंगी रिकॉर्ड दिखाएंगे अगले वीडियो में यहाँ तक ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।